सिविल अस्पताल मरचुई रूम में फ्रीजर हुआ खराब, शवों से आने लगी बदबू, लोग हुए परेशान। बिना शासकीय अस्पताल जो अव्यवस्थाओं के लिए पहचाना जाता है, जिसके चलते एक बार फिर सिविल अस्पताल चर्चाओं में है, क्योंकि सिविल अस्पताल के मरचुई रूम में शव रखने वाला फ्रीजर दो दिनों से खराब है। और कल मरचुई रूम में अज्ञात दो शवों को पुलिस के द्वारा रखा गया था, लेकिन फ्रीजर खराब होने की वजह से शवों से बदबू आने लगी और अस्पताल में मौजूद लोग बदबू से परेशान हो गए। फ्रीजर खराब होने की सूचना मिलने के बाद किसान नेता इंदर सिंह भी सिविल अस्पताल पहुंच गए और लापरवाही के अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि कई माह पूर्व भी बंद फ्रीजर में शव रखने के मामले में तत्कालीन बीएमओ को पद से हटा दिया गया था। वहीं आज फिर मरचुई रूम में फ्रीजर खराब है। वहीं मामले में बीएमओ डॉक्टर अरविंद गौर ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मरचुई रूम फ्रीजर खराब होने की सूचना मिली थी और सुधार के लिए पत्र भेज दिया गया है। हम आगे वो फ्रीजर बंद है, फ्रीजर का एक दो दिन से बंद है फ्रीजर, तो डेड बॉडी आई होंगे, तो कुछ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि कुछ डेड बॉडी आई है, कीड़े यहाँ पर नहीं लगते हैं, जैसे मैं लगे आप हैं तो उससे फ्रीजर से कीड़े नहीं मिटते हैं, फ्रीजर से तो कीड़े जैसे आ गए लेट आए जैसे तो कीड़े लग जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा हमें दो तीन दिन का मौका दीजिए आप, हम पूरी अस्पताल की व्यवस्था बना रहे हैं, फ्रीजर भी जो भी है नया फ्रीजर बुलवा रहे हैं, तो पूरा फ्रीजर नया बुलवा रहे हैं और आज के बाद कोई शिकायत नहीं मिलेगी इस मामले में। उसकी जानकारी हमें कल नाइट में दी संजीव अग्रवाल सर ने कि फ्रीजर खराब हो गया है और उसका हमने इंचार्ज भी बना रखा है संजीव अग्रवाल सर को, तो उन्होंने पहले ही चेक कर लिया था कि खराब हो गया है, उसकी जानकारी दे दी हमने। ठीक कराने के लिए लेटर भी जारी कर दिया है और भोपाल से टीम आएगी उसको ठीक करने के लिए, दो चार दिन का समय लग जाएगा।